नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश जाते हैं, जहां उनके कार्यक्रम को रोक दिया जाता है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे, और जिसके लिए वो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने मूर्तियाँ भिजवाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक किन्हीं भी व्यक्ति का मूर्ति उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा। इस बात पर भी मुकेश सहनी ने एक बात कही थी कि हम लोग अपने पर्सनल जमीन में वो मूर्ति लगाना चाहते थे, सार्वजनिक स्तर पर नहीं लगाना चाहते थे। उसके बाद मुकेश सहनी का जो कार्यक्रम था, फूलन देवी के शहादत कार्यक्रम को वो मनाने उत्तर प्रदेश गए थे, जहां उन्हें रोक दिया गया और उनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां बरसाई गई। ये सभी मामला आप जानते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी बिहार आते हैं, और बिहार आते ही भाजपा पर विफल पड़ते हैं। साथ ही एनडीए गठबंधन दल की जो बैठक होती है, उस बैठक का बायकॉट कर देते हैं, वो उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो जाती है कि मुकेश सहनी इस गठबंधन को छोड़कर फिर से महागठबंधन में जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का जिक्र किया और क्लियर कर दिया कि वो अभी भाजपा के साथ गठबंधन में रहेंगे, और उन्होंने कह दिया कि कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है क्या। इन सभी मामलों को देखकर भाजपा के नेता बचते फिर रहे थे जवाबों के। आपको बता दें कि उनसे जब जब सवाल किया जा रहा था, सभी सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन एक जवाब आ गया है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद। औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की कल एक बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक बड़े स्तर की थी, और यहाँ बिहार सरकार के तमाम मंत्री और नेता पहुंचे थे जो एनडीए में भाजपा से हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। हमने आपको सम्राट चौधरी के बयानों के बारे में बताया, किस तरीके से आगे चुनाव लड़ने के लिए योजना बना रहे हैं। वही अगर बात करें तारकिशोर प्रसाद की, तो तारकिशोर प्रसाद ने मुकेश सहनी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि अगर इस तरीके के कार्य किसी भी राज्य में होंगे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के नेता और किसी राज्य के मंत्री को जाने से रोक दिया जाएगा, तो हम लोगों की सरकार बिहार में है, हम लोग भी बिहार में आने से रोक सकते हैं। इस बात की प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सीधे तौर पर मुकेश सहनी को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं है कि वो किसी को बिहार आने से रोक देंगे। सीधे तौर पर कहें तो मुकेश सहनी की इस बात की नाराजगी अब भारतीय जनता पार्टी ने देनी शुरू कर दी है। इसका प्रमाण आपने पहले भी देखा था कि शाहनवाज हुसैन से जब बातें पूछी गई थी इस मुद्दे पर, तो साफ बोलने से इनकार कर दिया था। अब मुकेश सहनी की ये बातें और तारकिशोर प्रसाद के जवाब से ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार भाजपा और एनडीए गठबंधन में टकराव हो सकता है। आपको बता दें मुकेश सहनी ने यह भी बातें कही थी कि जो लोग पर्दे के पीछे से मेरे विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पर्दे को जला दूंगा, मुकेश सहनी मेरा नाम है। इन तमाम खबरों के बीच अब बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की तरफ से जब ऐसा बयान सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति साफ हो जाती है कि वो मुकेश सहनी पर किस तरीके का रुख अख्तियार किए हुए है। अब जब तारकिशोर प्रसाद ने सीधे तौर पर कह दिया कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं, और बिहार आने से वो किसी को नहीं रोक सकते हैं, तो सीधा सीधा भाजपा अपने सरकार को डिफेंड कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने रणनीतियाँ बनाई थी, कहीं ना कहीं ये रणनीति फेल नजर आती है, और बिहार में एनडीए गठबंधन में फिर से टकराव बढ़ने के आसार दिखाई देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।